नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। लालकुआ निकटवर्ती क्षेत्र हल्दू चौड़ में प्रशासन द्वारा एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य ना किए जाने से नाराज दर्जनों ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल का घेराव कर आगे की रणनीति तैयार की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने भी ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। बताते चले कि बीते एक सप्ताह पूर्व हल्दूचौड़ क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने हल्दूचौड़ बिंदुखत्ता लिंक मार्ग के जल्द निर्माण करने की मांग को लेकर प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके चलते गोला नदी से आने जाने वाली गाड़ियों को 4 घंटे जाम में फंसे रहने की नौबत बनी। इसी बीच आंदोलनकारी वन विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें वन विभाग द्वारा ग्रामीणों से एक सप्ताह का समय मांगा गया, जो आज पूरा हो गया, लेकिन मार्ग निर्माण चालू नहीं हुआ। इसी से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास में पहुंचकर उनसे मुलाकात की और मामले से अवगत कराया, जिस पर तुरंत ही दुर्गापाल ने दूरभाष से डीएफओ से वार्ता किया, जिसमें डीएफओ का कहना है कि वो 10 तारीख के अंदर अंदर इस सड़क का मुआयना करेंगे और जल्द ही प्रयास करेंगे कि इस रास्ते को दुरुस्त किया जा सके, जिस पर आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। इधर जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर मोहन बिष्ट का कहना था कि अगर जल्द ही इस मार्ग को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो वो डीएफओ कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ग्रामीणों में प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है। 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक नहीं किया जा सका, जो कि सोचने का विषय है। तो अभी भी अधिकारियों के कान पर जूनी रह गई है। लोग वहां पर रोज गिर रहे हैं, रोज चोटें लग रही हैं लोगों को, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, 10-10, 20-20 फीट के गड्ढे हो गए वहां पर, बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। तो लोगों का कहना यह है कि अगर तुरंत आज 30 तारीख को दोबारा एक हम लोग एक चिट्ठी और दे रहे हैं दोबारा, कि जो है अगर इस जो अब पूर्व में जो आश्वासन दिया गया था, अगर तुरंत कार्य शुरू नहीं किया गया तो फिर जो है धरना प्रदर्शन फिर से किया जाएगा। उधर क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका का कहना है कि ये इंडियन ऑयल लिंक मार्ग 14 किलोमीटर का स्वीकृत है, जिसमें सभी दस्तावेज और कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कुछ कारणों से ये विलंब में है, पर जल्द ही इस मार्ग को पूरा बनाया जाएगा, जो कि लिंक रोड होगी। विधायक नवीन दुमका का कहना है कि ये मामला 500 मीटर का नहीं है, जो इस मामले को 500 मीटर रोड कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये 500 मीटर मार्ग जो दुरुस्त होना है, उसी 14 किलोमीटर लिंक मार्ग के बीच में आता है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिसको वो 500 मीटर रोड कह रहे हैं, और यहाँ पर माननीय पूर्व मंत्री जी भी गए हुए थे और भी कई लोग थे, वो रोड लगभग 14 किलोमीटर है। उसका नाम है पेट्रोलियम डिपो उत्तराखंड स्टोन के सर बाईपास रोड। वहाँ गांव और जंगल के बीच में जंगल की भूमि पर बननी है। एक बड़ा ज़मीन का ट्रांसफ़र होना था, वो हो चुका है। कुल मिलाकर बहुत सारी बाधाएँ मैं दूर करा चुका हूँ, और एक बाधा जिसमें अभी वन विभाग के NGT ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वह भूमि, क्या यह रोड टाइगर प्रोजेक्ट या वन सेंचुरी के बीच से तो नहीं गुजरती है। एक आपत्ति लग के आई है, उसका निस्तारण होना है, और मैं समझता हूँ उसके निस्तारण के बाद हम फिर रोड बनाने के वास्तविक टारगेट पर पहुँच पाएंगे। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। वो केवल 500 मीटर का मसला नहीं है, वो पूरी रोड का मसला है, जो लगभग 13-14 किलोमीटर है और पूरी पूर्वी तराई वन विभाग में पड़ती है। कार्रवाई उस पर चल रही है। ये सामान्य जनता 500 मीटर कहे तो समझ में आता है, क्योंकि लोगों को शायद जानकारी नहीं होती है, लेकिन पूर्व मंत्री जो उसी रोड के किनारे के किसान भी हैं, वो अगर 500 मीटर कहेंगे तो थोड़ा आश्चर्यजनक है। और चाहे वो जो भी कहें, मेरा काम जो है समस्या को हल करने का प्रयास करना है, जिसके मैं लगा हुआ। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि उनके कार्यालय में सड़क को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही इसका कार्य रुक गया, जिसके जल्द चालू ना किए जाने पर आंदोलन पर वो खुद बैठेंगे। लेकर के लोगों में बड़ा भारी आक्रोश है, विशेष रूप से हिरन बाबा मंदिर से लेकर इंडियन ऑयल डिपो तक जो 500 मीटर का टुकड़ा है, जिसको आंतरिक मार्ग के रूप में पहले भी स्वीकृत किया गया था और वन विभाग ने नहीं बनने दिया, उस मार्ग को लेकर के लोगों में बड़ा भारी आक्रोश है। और पिछली बार वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ है, एक कमिटमेंट किया गया था अधिकारियों द्वारा, जिसको जल्दी इसमें हम बरान आदि करेंगे, लेकिन आज नहीं, अभी तक नहीं हुआ, आज फिर ये निर्णय लिया गया है। और मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि भी जैसा कि अभी DFO निजमन त्रिपाठी से बात हुई है, इन्होंने टाइम मांगा है 10 दिन का, अगर 10 दिन के अंदर
ये उसमें कार्रवाई नहीं करेंगे। निश्चित रूप से एक जो आक्रोश है उसको लेकर के लोग धरने में बैठेंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनूप झा की रिपोर्ट।